वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल पर मेडिकल केयर एकेडमी। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले महिला एवं बाल विकास विभाग की जो है पार्ट जो है आपके महिला एवं बाल विकास विभाग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ठीक है। और तो उसी के रिगार्डिंग जो है सिलेबस में आपके जो टॉपिक दिए हुए हैं, तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं और उसका मैटर जो है आपको हमारी बुक में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, 101% पूरा जो है 200 नंबर का सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना बुक रहेगा 2017 के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके अलावा अगर न्यू नोटिफिकेशन के साथ में कुछ चीज़ें अपडेट होती है, 2-5 टॉपिक जो है ऐड होते हैं, तो वो आपको जो है PDF में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। रही बात बुक की, तो बुक जो है आपको 15 जुलाई तक मिल जाएगा, ठीक है। संडे के दिन बुक जो है सेट हो जाएगा, ठीक है। और संडे के दिन ही जो है प्रिंटिंग के लिए दे दिया जाएगा। 2 से 5 दिन 8 दिन जो है प्रिंटिंग में लग जाएंगे, उसके बाद से जो है बुक आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट और हमारी वेबसाइट से जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, सिलेबस में जैसे कि आप देखिएगा, ये टॉपिक है आपके, ठीक है, सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय किसका पूछा है? सामान्य परिचय पूछा है महिला एवं बाल विकास विभाग का सामान्य परिचय, ठीक है। किस विभाग का परिचय, उसके दायित्व क्या क्या है, विभाग की संरचना जो है किस प्रकार की है, ठीक है, कौन कौन से अधिकारी होते हैं इसमें और उसके नीचे कौन कौन से कर्मचारी होते हैं और सबके क्या क्या दायित्व होते हैं, तो वो आप इसमें पढ़ने को आपको कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है वह है किशोरी सशक्तिकरण, ठीक है। किशोरी सशक्तिकरण का मतलब है इसमें जो है महिलाओं को जो सशक्त बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो कौन कौन सी योजनाएं जो है महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से जो है चलाई जा रही है, तो उसमें आपके लाडली लक्ष्मी योजना है, शौर्य दल है, उदिता योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है और पंख अभियान है, ठीक है। तो ये सारा आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है, अपनी बुक में। उसके अलावा जो है नेक्स्ट महिला सशक्तिकरण, ठीक है, महिला सशक्तिकरण, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपको महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जो है कौन कौन सी जो है योजनाएं जो है महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से चलाई गई है, तो वह है वन स्टॉप सेंटर सखी, स्वाधार ग्रह और जवाली योजना, महिला हेल्पलाइन 181 और सेफ सिटी कार्यक्रम। और नेक्स्ट है महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिशोषण अधिनियम 2013 एवं नियम 2013। नेक्स्ट जो है वह है मध्य प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड। नेक्स्ट जो है कामकाजी महिला बस्ती ग्रह योजना, राष्ट्रीय जुलाघर योजना, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, महिलाओं के आर्थिक उत्थान हेतु बैंक ऋण की उपलब्धता, मध्य प्रदेश महिला वित्त विकास निगम। और नेक्स्ट जो है वह है आपके मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। तो ये सभी टॉपिक जो है आपको अपनी बुक में देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। और इनसे जो है आपके ये दे रखा है आपके शायद खंड टू में दे रखा है ये, ठीक है। तो खंड टू का जो है ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे और ये एकमात्र जो है आपको अपनी बुक में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, ठीक है, तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में आप क्या क्या पढ़ेंगे, आंगनबाड़ी सेवाएँ क्या है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए जो है आंगनबाड़ी क्या क्या सेवाएँ उपलब्ध करवाती है, ठीक है, एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी कार्यक्रम। नेक्स्ट जो है पोषाहार कार्यक्रम, मातृ एवं शिशु के लिए पोषाहार आहार जो है वह किस प्रकार का क्या होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल, आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण, प्रशिक्षण अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, पोषण अभियान और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये सब आपको जो है खंड टू में दिया हुआ है ये सिलेबस, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस जो है आपको अपनी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके बाल संरक्षण, बाल संरक्षण में जो है कौन कौन से जो है टॉपिक आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तो बाल संरक्षण के अंदर का जो है आपको पढ़ना पड़ेगा समेकित बाल संरक्षण योजना, जौहर बाल भवन और मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके सिलेबस की बात। एक बार जो है मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ ओरिजिनल, ठीक है। ये दिया हुआ है आपके सिलेबस, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा स्नातक स्तर की, ठीक है, 200 अंक की होगी और 200 क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। तो जैसे कि आपके जो है न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण में आपको पढ़ना पड़ेगा संतुलित आहार, माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन तथा कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी एवं उनकी रोकथाम, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएंगे अपनी बुक में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, जैसे किशोरावस्था हो गया, गर्भावस्था हो गया, धात्री माता हो गया, नवजात शिशु हो गया, बाल्यावस्था हो गया, वयस्कावस्था हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है गर्भवती की देखभाल, ठीक है, जिसमें गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरों से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जाँच। फिर नेक्स्ट जो है टीकाकरण दे रखा आपके इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो और उससे जस्ट नेक्स्ट में जो है आपके देगा
स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये आपके दे रखा, क्या दे रखा है यहाँ पर, NRHM एवं ICDS के अंतर्गत संचालित योजना है। जैसे कि मैंने आपको अभी सारा बताया स्टार्टिंग में, तो वो जो है आपका यहाँ पर पाँचवें नंबर का ये टॉपिक है, इसमें आपके कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये सारा पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो बताया वो सारे इसी के अंतर्गत आने वाले हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट जो है कुपोषण देख रखा है, जो जैसे कि जन्म के पूर्व कारण एवं संरक्षण के उपाय, जन्म के बाद कारण एवं संरक्षण के उपाय, ठीक है। कुपोषण क्यों होता है, ठीक है, जन्म से पहले, जन्म के बाद उसके क्या कारण है और उसके उपाय भी क्या है, ठीक है, वो साथ के साथ में बताया, ठीक है। सामान्य बीमारियां और उनकी जानकारी, जैसे कि यहाँ पर सामान्य बीमारियां उनकी जानकारी में आपके यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है, दस्त, उल्टी, आँखें एवं नाल का संक्रमण, कसरा, गलगोट, टिटनेस, काली खांसी, TB और निमोनिया, ठीक है। ये सब जो है आपको अपनी बुक में मिल जाएगी, ये तो प्रथम खंड में होगा, ठीक है। द्वितीय खंड में क्या दे रखा है आपके, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ये द्वितीय खंड में, सामान्य ज्ञान एवं विभागों की योजना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी जो है आपकी केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजनाएँ और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएँ, आदिवासी विभाग की योजनाएँ, ये सब जो है महिला एवं बाल विकास की योजनाएँ, ये सारी जो है कवर हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया उनसे, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके यहाँ पर दे रखा है नियम अधिनियम एवं अधिकार, ठीक है। तो बच्चों से के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम, खास सुरक्षा, ये सारे जो है आपको अपनी बुक में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट खंड 2 में ये है आपके सारी संरचना, सामान्य ज्ञान, ठीक है। ये वैसे साइंस के टॉपिक है और ये जो है आपके एक तरीके से जो है होम साइंस के अंतर्गत भी चलते हैं, ठीक है। तो ये पाचन तंत्र, ग्रंथियाँ, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था, विकास, प्राथमिक उपचार, ये सब जो है आपको देखने को मिल जाएंगे अपनी बुक में, ठीक है। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, जैसे MS ऑफिस आपको पढ़ना है इसका सामान्य ज्ञान, और इंटरनेट मोबाइल संचालन का ज्ञान, ठीक है, तो ये आपके कंप्यूटर में पूछा जाएगा। और फिर जो है मैथमेटिक्स दे रखा है, तर्क शक्ति दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके यहाँ पर दे रखा है तृतीय में, तृतीय खंड में आप दे रहे हैं संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपग्रेडित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। विकास की अवधारणा है, उसकी मुख्य चुनौतियां, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियां और सरोकार, ठीक है। नेतृत्व विकास, नेतृत्व क्षमता, गुण एवं कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क, तो संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम एवं अवरोध, और सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन, समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जनभागीदारी, सामुदायिक मोबिलाइजेशन, तो ये आपके जो है तृतीय खंड में ये चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर चतुर्थ खंड में आपसे पूछा जाएगा बाल विकास का परिचय, ठीक है। फिर शालापूर्व परिचय, शालापूर्व शिक्षा परिचय, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और बाल देखभाल एवं संरक्षण, तो ये जो है आपके चतुर्थ खंड में, तो ये सारा का सारा जो है आपको अपनी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ बुक का इंडेक्स जो है, कुछ टॉपिक में आपको स्टार्टिंग में दिखा चुका हूँ, कुछ जो है मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों जैसे कि आपने सिलेबस में देखा, ठीक है, तो सिलेबस का जो है एक टॉपिक आपका जो है यहाँ पर देखिएगा, गर्भावस्था एवं गर्भावस्था में महिला की देख रेख, ठीक है, और प्रसवकालीन तथा प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिला की देख रेख, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसमें आपके सारे ही कार्यक्रम आ जाएंगे केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के। उसके अलावा जो है स्तनपान और परिवार कल्याण कार्यक्रम, ये एक्स्ट्रा में आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये इसलिए दिया जाएगा क्योंकि है ना सिलेबस में ये जुड़ करके भी आ सकते हैं आपके, और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के दायित्व। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, ठीक है, जैसे कि आपके ये दे रखा था खंड 2 में, और हमारा शरीर प्रतिरक्षा प्रणाली, ठीक है। तो प्रतिरक्षा जो है आपको टीकाकरण करवाने से मिलती है, तो कुछ जो है इम्यूनाइजेशन की कुछ चीज़ें इसमें बताई जाएगी, कुछ जो है पूरी डिटेल में जो है वो टीकाकरण के अंदर बताई जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से पढ़नी है, और टीकाकरण वाला टॉपिक तो स्पेशल पढ़ना ही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये भी जरूरी है माता के लिए, और सामान्य रोगों का निवारण एवं घरेलू उपचार, ठीक है। तो सामान्य रोग जैसे कि आपके उल्टी, दस्त, नाल का संक्रमण, आँखों का संक्रमण, गलगोट जिसको अपन बोलते हैं डिप्थीरिया, निमोनिया, ये सारे जो है आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आपका न्यूट्रिशन पोषण, ठीक है। तो आपका जो है पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा और इसी प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ 15 जुलाई तक वेट करना है, और उससे पहले कंप्लीट हो जाएगी, तो उससे पहले भी जो है हम आपके लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट पे प्रोवाइड करवा देंगे। और ये सब जो है आपकी डिमांड को देखते हुए कर रहे हैं हम, क्योंकि आप सब कह रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है सर अभी मध्य प्रदेश पुलिस का जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 1 महीने का टाइम मिल रहा है ओनली पढ़ने का, ठीक है। तो आप जल्दी से प्रोवाइड करवा दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो हमें भी पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम आपके लिए जो है जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं।
नेक्स्ट जो है आपके संक्रामक रोग, ठीक है। तो सामान्य रोग तो आप उसमें पढ़ लेंगे, यहाँ पर संक्रामक रोग, ठीक है। तो संक्रामक रोग जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, संक्रामक रोग वन में और टू में, ठीक है। तो कुछ डिजीज जो है संक्रामक रोग की आपको 1 से लेकर 26 तक में मिल जाएगी, कुछ जो है आपके संक्रामक रोग 1-2 जो है 27 से लेकर 61 तक, मतलब आपके ओवरऑल सारी डिजीज जो है कवर कर दी जाएगी। ये कुछ डिजीज ऐसी है जो सिलेबस में नहीं दी हुई है, तो वो भी हम आपके लिए यहाँ पर देंगे। वही इस वजह से देंगे क्योंकि न्यू सिलेबस में पता नहीं कौन सी डिजीज एक्स्ट्रा में जो है आपके जोड़ करके दे दें, तो आपके लिए जो है हम पूरी डिजीज देंगे, ठीक है। ताकि जो सिलेबस में है वो तो आप पढ़ ही लेंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी रहेगी अगर वो ऐड होकर के आ जाती है न्यू नोटिफिकेशन के साथ में, तो आपको परेशानी नहीं हो, ठीक है। नेट जो है संक्रामक रोग के जो है रोकथाम और रुपाई क्या क्या है, वो भी जो है आप यहाँ पर इस टॉपिक में पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्राथमिक उपचार, प्राथमिक उपचार जो है आपके सिलेबस में दिया है जिसको अपन फर्स्ट एड बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है आप यहाँ पर 4th नंबर का टॉपिक रहेगा जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं 81 से लेकर 100 तक का में, ठीक है। नेक्स्ट जो है जीवन शैली संबंधित रोग, जीवन शैली मतलब जीवन शैली का मतलब क्या होता है, ये आपको एक्स्ट्रा में इसलिए दिया जाएगा क्योंकि जीवन शैली का मतलब होगा कि आप जीवन को किस तरीके से जी रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जॉगिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं, ठीक है, धूम्रपान वगैरह करते हैं, इस वजह से जो है उनको हार्ट की डिजीज होती है, मधुमेह की बीमारी होती है, कैंसर की होती है गुटखा उटका सिगरेट ये पीने से, ठीक है। तो वो जीवन शैली संबंधित जो रोग है, ठीक है, उसके बारे में आप यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप औषधि विज्ञान और औषधि प्रतिक्रिया है, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। औषधि विज्ञान में मतलब जो है आपको डिजीज जो भी परेशानी है, ठीक है, जो भी बीमारियाँ उनका औषधि विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी डिजीज के अंदर दी जाती है, किस मात्रा में दी जाती है, कौन कौन से फॉर्म में जो है मेडिसिन आती है, ठीक है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और आपातकालीन स्थितियों का प्रबंधन कैसे करें, ठीक है। आपातकालीन मतलब जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, सांप काट ले, कुत्ता काट ले, ठीक है, या फिर आप दीवार की छत से गिर जाएँ, या इलेक्ट्रिक करंट लग जाए, या एकदम से जो है सदमा लग जाए, ठीक है, या फिर एकदम से जो है हीट वेव की वजह से जो है आप मतलब बेहोश हो जाएं, तो उसमें तुरंत जो है आपातकालीन में क्या जो है आप प्रबंध कर सकते हैं उसके बारे में जो है आप यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे। मतलब हम आपके लिए जो फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं देंगे, हम आपके लिए डिटेल में देंगे, ठीक है, हर एक चीज़, और MCQ के साथ में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ये इस वजह से कर रहे हैं हम आपके लिए क्योंकि ये वैकेंसी 4-5 साल में जाकर के एक बार आती है बड़ी मुश्किल से, तो ये मौका आपके हाथ से नहीं जाए और आप जो है 101% जो है इसमें सिलेक्शन ले पाए, ताकि हम आपके लिए इसी वजह से जो है ना इतने दिल से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बुक तो बहुत सारे पब्लिशर निकालेंगे लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पर निकालेंगे, 200-250 MCQ देंगे आपको और थ्योरी देंगे बिल्कुल एक साथ, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको टॉपिक वाइज जो है थ्योरी के साथ में MCQ प्रोवाइड करवाएंगे, साथ में जो है हम आपके लिए प्रीवियस पेपर 16 प्रीवियस पेपर जो है वो भी प्रोवाइड करवाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जो है वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। इतना सारा मैटर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह भी जो है बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूट अभी से चलाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो है वो आपके लिए जो है ना थ्योरी मैटर जो अपनी बुक में है वही पढ़ाएंगे, उसके अलावा कुछ भी बाहर नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप क्यों उसको ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रहे हैं, आप सीधा जो है यहाँ पर ये बुक मंगाइएगा, इसी में आपका काम हो जाएगा, 400-500 रुपये के अंदर आपका काम हो जाएगा, डिलीवरी चार्ज सही जो है आपको इतने में मिल जाएगा और आपको कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह जो है पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम आपके लिए वैसे भी जो है क्लासेज तो डाल ही रहे हैं यूट्यूब पे जैसे जैसे हमको टाइम मिल रहा है, अगर आप वो भी पढ़ेंगे तो वो भी सफिशिएंट रहेगा आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देंगे, कमेंट कर दीजिएगा। और रही बात आपके कंप्यूटर के क्लासेज मैंने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, उसके अलावा जो है आपके फिर बचेगा मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ठीक है। तो उसमें आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है हम हमारे यूट्यूब पे भी करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियो जो है देख सकते हैं। थैंक यू।